सो हेलो गैस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग वार्डन और वेदर के बीच में बहुत ही पावरफुल फाइट करवाने वाले हैं। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं स्पॉन करने वेदर को पहले, फिर हम लोग करेंगे वार्डन के स्पॉन, तभी हम लोग जल्दी से ये हमारे पास वार्डन का एग अभी हम लोग इसका लगा दिया है और वेदर स्पॉन हो चुका है, वार्डन भी स्पॉन हो चुका है। अभी जब वेदर ब्लास्ट रहेगा तो इन लोग के बीच बहुत ही बुरी वाली फाइट होने वाली है। तो अभी वेदर ब्लास्ट हो चुका है, उसने तुरंत ब्लास्ट होते ही उसने वार्डन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो उसके ऊपर फाइट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर अपनी एबिलिटीज़ फेंक रहा है, अपनी हेड वाली एबिलिटीज़ जिसमें बहुत ही बुरा वाला पॉइजन होता है जो कि डैमेज देता है हार्ट को। और मुझे नहीं पता कि वार्डन को ये ज़्यादा डैमेज दे रहा होगा कि नहीं रहा होगा, लेकिन स्टीव और एलेक्स को ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है। और अभी देख सकते हैं आप लोग कि वार्डन कुछ नहीं कर पा रहा, बस वो अपनी एबिलिटी छोड़ रहा है नीचे से ही, लेकिन जब वेदर की आधी हेल्थ ख़त्म हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि वो ग्राउंड फ्लोर मतलब ग्राउंड में आ जाएगा, और तब वार्डन इसे आसानी से मार सकता है बहुत ही बुरी तरीके से अपने हाथों से। तो अभी वो अच्छे से मार नहीं पा रहा है उसे, लेकिन जैसे वेदर की आधी हेल्थ ख़त्म हो जाएगी तो तब देखिएगा तुरंत ही वेदर मर जाएगा, क्योंकि तब वेदर चार्ज हो जाता है। चार्ज जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्रीपर के ऊपर जब लाइटनिंग हो जाती है तब क्रीपर भी चार्ज हो जाता है, उसी तरह जब इसकी आधी हेल्थ ख़त्म हो जाने के बाद ये देखिए आप सब देख सकते हैं कि वेदर भी चार्ज हो चुका है। जैसे ही उसने नीचे आया तुरंत ही वार्डन ने उसे मार दिया। अब ये ब्लास्ट होने वाला है, फिर हम लोग को मिलेगा नदर स्टार जो कि वहाँ पर पड़ा है। अब हम लोग जा रहे हैं लेने उसे कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो बाय बाय गाइस।